हाय गाइस, दिस इज़ ग्लोम मंदराजा एंड यू आर वॉचिंग GMR ब्लॉग्स। तो आज हम आए हुए हैं, ये है दुबई का अबरा, बड़ दुबई में अबरा। आपने नाम सुना होगा अगर आप दुबई में हैं तो, और आप देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं कई सारे लोग जो आप देख सकते हैं, ये लोग मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। ये हैं मिस्टर कासिम खान फ्रॉम इंडिया। और अपना नाम बता दो बस, इतना काफी है। चलो हमारे हाय, हाउ आर यू? माय नेम इज आसिम। ऑल ऑफ यू, व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर? तो अभी हम क्या दिखाने वाले हैं इन लोगों को? हम लोग अबरा दिखाने वाले हैं, बड़ा फेमस एरिया है। यहाँ से हम लोग को बाई बोट देर आ जाती है। ठीक है, हमें अबरा पे, ये है बड़ दुबई में। और अगर आप लोग दुबई में हैं या बड़ दुबई में हैं तो इस जगह पर आएँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे शिप हैं। आओ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वैसे अभी लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं और बहुत सारी भीड़ रहती है। बट अभी यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सारा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं वैसे अभी यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे अंधेरा आ रहा है। तो अभी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ बैक। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust, oh. हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे, ये समुंदर की गहराई। From India. ये कासिम खान अभी नहीं बोल रहे थे, अब बोलना शुरू हो गए हैं। Yes. इनके आप टाई देख सकते हैं। जुबैर अभी इज माय फ्रेंड। माय नेम इज कासिम खान फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले, हम लोग कुछ इन्जॉय कर लेते, कुछ आप लोगों को अबरा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते। लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल है। यहाँ पे काफ़ी बोट्स हुआ करती थी अप लॉकडाउन के समय, लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे शिप्स वगैरह सब क्लोज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें शिप्स वगैरह सब क्लोज़ हैं, स्टॉप है यहाँ सारे। आप ये देख सकते हैं, ये सारे शिप्स हैं यहाँ पर, तो आप ये बैकग्राउंड से देख सकते हैं। और यहाँ की अभी एक दो वीडियो और भी बनाई है, वो भी आप देखिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बड़ दुबई के एरिया में पड़ता है। अच्छा, दुबई बड़ दुबई एरिया अबरा। अबरा बाई बोट यहाँ से वन धर्म में देरा क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, कम्फर्टेबल एरिया, बिल्कुल शांति का जैसे माहौल होता है। हाँ, यहाँ पे जो भी आता है, यानी जो भी बड़ दुबई में रह रहा है और जो भी यहाँ पे आता है, वो उस जगह को बहुत अच्छा बताता है। और करेक्ट, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ का लोकेशन क्योंकि लाइक इट है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी की तरफ, जैसे खींचता है फॉरेनर्स वगैरह को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शांति का माहौल है यहाँ पे। लोग यहाँ पे ज़्यादातर इवनिंग टाइम आके बैठ कर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अकेलापन दूर करते हैं। तो शांति का देख रहे हैं, पानी में कितनी शांति है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम मॉर्निंग के टाइम पे आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो वीडियो बना लें और आप लोगों को कुछ दुबई दिखा दें। तो अभी आप देख रहे हैं, ये सारे ब्लॉग देखिएगा, ये सारे वीडियो देखिएगा, पिछली वीडियो देखिएगा जो हमने बनाई है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप दुबई आएंगे कभी या फिर आना चाहते हैं अभी, तो इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे तो आपको आने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं, बिल्कुल इंडियन जैसे नहीं। हाँ, होता है जैसे कि हम लोग मान सकते हैं जुमे हुए, वो बॉम्बे का कौन सा बीच है, जूही चौपाटी। हाँ, बट जूही चौपाटी जैसा यहाँ पे लाइक बट क्या, एक्चुअली यहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते हम लोग, नहा नहीं सकते, जैसे कि स्विमिंग नहीं कर सकते, बस सीन कर सकते हैं। अंदर की फिशेस यहाँ पे बहुत फेमस है, आप यहाँ पे बोट वगैरह में घूम सकते हैं, बहुत सारी बोट चल रही है यहाँ पे। ये रेंट तो पे बोटेड रहती है, लेकिन एक्चुअली ओनली कुछ बंद रम की होती हैं, कुछ बहुत सारी महंगी भी होती हैं। ये जो बोट है, ये वेरी एक्सपेंसिव है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से एयरपोर्ट भी पास में है, पीछे बैक साइड पे हमारा एयरपोर्ट है, ये यहाँ पे है, हवाई जहाज भी उड़ रहा है। आफ्टर 5-10 मिनट वन फ्लाइट गोइंग टू इंडिया एंड गोइंग टू पाकिस्तान, एवरीथिंग इज तो ये आप देखिएगा। और हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से दिखाते हैं, बैकग्राउंड के कैमरे से, तो यहाँ पे का कैसा नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ पे अबरा के नाम से आप देख सकते हैं, अल फैदी के
पास में अलफैदी है, बर अलगुबैबा, अलगुबैबा के बिल्कुल क्लोज है, अलगुबैबा बिल्कुल क्लोज है, लेकिन अगर अलफैदी में भी हैं तो आपको वहाँ पे सारे लोग बता देते हैं, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। इसके जरिए आप आइए, आकर के देखिए, यहाँ पे यहाँ पे वेल वगैरह भी पिछली बार निकली हुई थी, बहुत अच्छा। हेलो, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे का ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे है वो सारी जगह अबरा। हाँ, ये अबरा, और अभी हम जा रहे हैं रूम की साइड। हमारा रूम जो है वो पास में ही है, इस साइड में है, बस थोड़ा सा दूर है, तो थ्री मिनट्स इज वॉकिंग। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा इतना ही है, और हम यहाँ पे आते रहते हैं इस वजह से। बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन है, हम लोगों को बहुत, तो जब भी हमको फ्री टाइम जैसे ही मिलता है हम लोगों को तुरंत यहाँ पे हम लोग आके कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए देना चाहते हैं, जैसे कि लाइक वीडियोस यूट्यूब से। यस, हम खाली होते हैं जब हमारे बोरिंग हो रहा होता है ना रूम पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे जो पहले से ये बहुत नियर बाई है हमारे रूम्स के, वॉकिंग 1-3 मिनट्स है, फ्री टाइम में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम लोगों का यहाँ का जो पीछे का बैकग्राउंड है बहुत अट्रैक्ट करता है एक्चुअली, क्या यहाँ पे समुंदर वगैरह है, शिपिस वगैरह है, जिससे हम लोग यहाँ पे आके बैठ के थोड़ा सा इंजॉय और फील वगैरह फील, थोड़ा हैप्पीनेस फील करते हैं। तो अभी हम ये मास्क वगैरह लगाए हुए हैं एक्चुअली, क्या कोरोना चल रहा है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, यहाँ पे अगर मास्क नहीं लगाते हैं इस टाइम पे तो विदाउट ग्लव्स, हाँ, 1000 दिरहम का फाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के लिए, 20,000 दिरहम होता है, 20,000 रुपये होता है, लेकिन इंडिया में शायद 500 रुपये का चल रहा है मास्क ना लगाने पे, लेकिन यहाँ पे पीछे से सूटता आ रहा है, यहाँ पे बस सूटता आता है उससे पीछे, उससे पहले हम लोग अपनी सेफ्टी से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए तो इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ पर, अगर आप ज़ेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो उसमें भी 8-10 हज़ार का इंडिया का मेट्रो गोल्ड एंड स्लीपर्स। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं मांगते, बल्कि आपका या तो पासपोर्ट लेंगे या फिर आपकी आईडी लेंगे, फिर वो उस पर लगा करके चले जाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। जब आप फ्लाइट पकड़ेंगे ना एयरपोर्ट पे, फिर आपको पता चलेगा, वो बाद में आपको देना पड़ेगा कभी ना कभी, ये होता है। तो अभी हमारे साइड से पुलिस की गाड़ी गई, आजकल पुलिस की गाड़ियाँ बहुत घूम रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है सारा कुछ। बस आप देख सकते हैं ये सारा माहौल यहाँ का शांत पड़ा हुआ है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी यहाँ पे मॉर्निंग, ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर, वो कम लोग निकल रहे हैं, 6:30 हो रहा है। हाँ, तो हम भी आज कम से कम काफ़ी दिनों में रूम से निकले हैं, रमजान से फर्स्ट हम लोगों का ये डे, एक्चुअली आज बोरिंग थोड़ा फील हो रहा है, हम लोग सर को थोड़ा सा फन करके आते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को न्यू वीडियो देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, डाउन करना पड़ रहा है सारी गाइस, लेकिन सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो बी केयरफुल। तो अभी यहाँ पर हमारे मार्केट में देखते हैं, कुछ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग अभी ये एरिया जो हमारा है, हाँ, ये मॉर्निंग का टाइम बताना, ये मीना बाजार, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-10 है, जो कि आप अगर तो यहाँ पे 1-10 दिरहम में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर हम जहाँ पे भी, ये हर जगह होती है और आप जहाँ पे भी रहें आप ये सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है और 1-10 दिरहम के बीच में, तो आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात क्या है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको चीप रेट में मिल जाते हैं, जैसे कि फैमिलीज के लिए, चिल्ड्रेंस के लिए कुछ टॉयज वगैरह चाहिए हो ना, 1-10 में बोले बहुत ही, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं बाहर वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पर 1-10 दिरहम में आप परचेज कर सकते हो, इट्स बेटर, सो वेरी नाइस 1-10 मार्केट, आई लाइक इट। ये सारा कुछ 1-10 है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पीछे है ना, ये है, और भी सुपर मार्केट हैं, लेकिन और जगहों पे बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ता होता है 1-10 अगर जहाँ पे भी आपके, तो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी सुपर मार्केट है, तो अगर आप विजिट वीज़ा पे, क्योंकि एक्सपेंसेस विजिट वीज़ा पे ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आपके एक्सपेंसेस बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं, और अगर आप आना चाह रहे हैं नहीं कुछ भी है तो इस नहीं 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 फैमिली गिफ्ट के लिए नहीं, उसके लिए नहीं बोल सकते, रिलेटिव
चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, ये 1-10 मार्केट अभी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिर से आ गई है। तो यहाँ पे बरदुबई में हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं आसपास में, तो ऐसी हर जगह मिल जाती हैं। अगर आप कहीं पे भी हैं आराम से आपको ये मार्केट में सुपर मार्केट मिल जाएगी। तो गाइस आप अभी देख सकते हैं ये है माहौल दुबई का, और आसिम खान हाँ आपके साथ, ये है आसिम खान और मैं हूँ गुल मोहम्मद रजा। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियो हम क्योंकि अभी तो कहीं पर नहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन घूमने जाते रहते हैं, तो अगर आप हम लोग ईद में निकलेंगे हाँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं और आएगी वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके तो जब तक तब तक के लिए आपसे लेना चाहते हैं विदाई, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।